ओके गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी देवियों सज्जनों भाइयों बहनों मित्रों सभी को मेरी तरफ से वेरी 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 गुड इवनिंग। वेलकम 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 वेलकम, सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज का इस सेशन हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का सेशन है, बैंक रिकंसिलिएशन का सेशन जिसमें हम पढ़ रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, और लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी करके देखे थे। वो क्वेश्चंस के साथ आज और आगे बढ़ेंगे, ये चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, और ये चैप्टर को हम सक्सेसफुली अब आगे बढ़ाते हुए कंप्लीशन की ओर लेके जाएंगे। तो सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले सारे मेरे दोस्तों विद्यार्थियों देवियों सज्जनों भाइयों बहनों मित्रों सभी का बहुत 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 स्वागत है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सभी लोग आ जाइए आ जाइए आ जाइए। राइट, रुस्तम को गुड इवनिंग, अजय को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत 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 स्वागत है, बहुत स्वागत स्वागत स्वागत। श्रीनिधि को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, उसके पहले सिमरन प्रभजीत ये लोग ज्वाइन हो चुके थे, इनको भी गुड इवनिंग। ओके, रानी अनुष्का को गुड इवनिंग। सिमरन कह रही है बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आप कल भी मुझे देखने वाले थे, कल मैं यहाँ पे लगभग इसी जगह पे खड़े खड़े 25 टू 30 मिनट्स लाइव आने की कोशिश किया हूँ। कल के वीडियो पे मैंने आके आप लोग को ये भी बोला कि मैं अभी लाइव तुरंत के तुरंत आ रहा हूँ, हेलो गुड इवनिंग आके मैंने कमेंट सेक्शन में विश भी किया, बट फॉर सम रीजन जो इंटरनेट था वो चल ही नहीं रहा था एंड दैट वॉजंट अलाउिंग मी टू कम लाइव, और उसके कारण बिना किसी रीजन के कल की हमारी क्लास रह गई। तो फिर कल की क्लास हमारी रह गई, उसके लिए जिम्मेदार कोई एक चीज है तो वो हमारा इंटरनेट है। फॉर नो रीजन, एब्सोल्यूटली नो रीजन कल की हमारी क्लास रह गई, और वो इतना ज्यादा गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन वो मेरा जा ही नहीं रहा था, पूरी रात तक मुझे उस चीज का फ्रस्ट्रेशन बैठा रहा। तो हमारे ये चीज के कारण, हमारा इंटरनेट कनेक्शन के कारण हमारी कल की क्लास रह गई। यहाँ पे अजय पूछ रहा है सर मैथ्स टीचर आने वाले है ना। बेटा या तो इस फ्राइडे को, मतलब आज है वेडनेसडे, तो अन अकेडमी ने मुझे बोला है सर फ्राइडे तक वो तैयार हो जाएंगे, या फिर अगले मंडे को। अन अकेडमी फ्राइडे बोलता है तो मैं उसको दो तीन दिन आगे बढ़ा ही लेता हूँ, ठीक है, दो तीन दिन आगे बढ़ा ही लेता हूँ, क्योंकि उनकी फॉर्मेलिटीज होती है, एडुकेटर को लाइव आने के पहले कुछ कंप्लीट करनी पड़ती है। तो मैं मानता हूं मंडे या ट्यूसडे को हमारे मैथ्स के एडुकेटर भी यहां पे लाइव आ जाने चाहिए, मैथ्स के एडुकेटर भी लाइव आ जाने चाहिए। सर आप रिकॉर्ड कर देते। बेटा मैं रिकॉर्ड तो कर देता, बट दिक्कत ये थी कि ये मेरे को एक तो 5:30 बजे तक ये पता नहीं चला कि ये इंटरनेट क्यों काम नहीं कर रहा है, काय को काम नहीं कर रहा है, हम लाइव क्यों नहीं आ रहे। ये अगर मेरे को पहले से भी पता रहता, सुबह से पता रहता कि आज लाइव नहीं जाना है, तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को दे दिया रहता। बट जब 5 बजे तक मेरे को लाइव ही आना था तो मैं रिकॉर्ड कब करता, मुझे ये पता ही नहीं था कि हमारा इंटरनेट नहीं चलने वाला। मेरा तो पूरा लाइव आने का ही प्लानिंग था, तो प्लानिंग लाइव आने का था तो रिकॉर्डिंग का सवाल ही नहीं उठता था, और वो अननेसेसरीली इंटरनेट कनेक्शन नहीं चला उसके कारण हमारी कल की क्लास रह गई। सो दैट वॉज द थिंग। सर आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे क्या? मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि क्लासेस मिस हुई है, तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद अंकिता मैम बोल रहे थे कि टीचर आने वाले हैं मंडे तक। यस, टीचर आने वाले हैं, मैथ्स के टीचर आने वाले हैं, एंड आप लोग की जो जूम मीटिंग है, वीकली जूम मीटिंग कल सुबह 10 बजे होने वाली है। तो ये भी सभी लोग नोट डाउन कर लो कि आप लोग की जो वीकली जूम मीटिंग है कल सुबह 10 बजे होगी, और वो वीकली जूम मीटिंग में कल सारी फैकल्टीज आपके साथ रहेगी। अब से आपकी वीकली जूम मीटिंग हमने फिक्स कर ली है, थर्सडे मॉर्निंग 10 AM आपकी वीकली जूम मीटिंग रहेगी। तो उसकी लिंक वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे सबको मिल जाएगी, तो सब स्टूडेंट्स को मिल जाएगी वो जूम मीटिंग की लिंक, और वो हमारा कल सुबह 10 बजे रहेगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स उसके लिए भी तैयार रहना, आपके जो डाउट्स है, आपके जो क्वेरीज है, आपके जो क्वेश्चंस है, आपके जो स्ट्रैटेजीज वगैरह समझनी है, वो सब कल सुबह 10 बजे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। सो एवरीबडी बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, एवरीबडी बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत कर ले। यस सर, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। यस सर, लास्ट क्लास में आपने हमको होमवर्क भी दिया था। वो होमवर्क के डिस्कशन से हम चालू करेंगे, होमवर्क के डिस्कशन से अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहां पे। तो मैं आता हूं लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसके बाद ये होमवर्क दिया था, वो था इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो सभी लोग आ जाइए। सर जब इंटरनेट इश्यू होता है तो आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया करो प्लीज, हम लेट नाइट भी देख लेंगे। चलिए सिमरन वो भी मैं कर दूं। बेटा अभी दिक्कत क्या है कि इट्स लाइक अभी जैसे अगर ये टाइम मेरा छूट गया ना,
तो इसके बाद फिर क्या चीज है, इसके बाद मेरी फिर 7 बजे दूसरी क्लास रहती है, मतलब ये आपकी 6:30 को खत्म होती है, 7 बजे दूसरी क्लास रहती है, 7 बजे दूसरी क्लास रहती है जो 9:30 को खत्म होती है, और फिर कल सुबह 5:30 बजे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो वही है कि अगर अनप्लान्ड तरीके से कोई भी क्लास स्किप होती है तो उसको फिर रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 10-15 दिन डाउन द लाइन वो आसान हो जाएगा, क्योंकि 10-15 दिन के बाद मेरी 4 घंटे की क्लासेस खत्म हो जाएगी। दिन में जो 4 घंटे की क्लासेस होती है वो खत्म, तो मेरे पास काफी सारा फ्री टाइम भी बचेगा। बट अभी एट प्रेजेंट मेरे पास वो फ्री टाइम नहीं है, तो इसलिए नहीं तो मैं कर देता यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो वही पूरी प्लानिंग, क्या वो इंटरनेट के कारण कल मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग बिगड़ गई। तो इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि अपन पूरी तैयारी करके बैठे हो, अपन यहाँ लेक्चर के लिए खड़े हो और वहां पर वो इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो बहुत दिमाग खराब होता है। बट ठीक है, चलो जो हुआ उसका कुछ कर नहीं सकते, आज जो हाथ में है उसका हम मोस्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहां पे क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए एज ऑन 31st December 2019। तो ये लोग ने क्या बोला है, आपको असर्टेन करना है बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए। तो आपको यहां पे बोला है कि आपको ये सारी जो डिटेल्स दिए, ये डिटेल्स को यूज करके आप बताइए कि ए करके जो व्यक्ति है, मिस्टर ए करके जो व्यक्ति है, उसका जो पासबुक बैंक ने बनाया होगा उसमें कितना बैलेंस दिख रहा होगा। तो ऑब्वियसली इन्होंने हमें एक बैलेंस कौन सी बुक का दिया होगा, पासबुक का बैलेंस तो निकालना है। तो यहां पर क्वेश्चन में ये लोग हमें कौन सा बैलेंस देंगे, यहां पे क्वेश्चन में ये लोग हमें जो बैलेंस देंगे वो रहेगा कैश बुक का। कौन सा बैलेंस ये लोग हमें देंगे, ये बैलेंस जो ये लोग हमें देंगे दैट विल बी द कैश बुक बैलेंस, ठीक है। तो यहां पे बोलते हैं द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31st December 2019 6340। तो अब सर इससे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम कैसे इसको ना अकाउंट के फॉर्म में ही बनाते हैं। हम इसको किस फॉर्म में बनाते हैं, हम इसको यहां पे अकाउंट के फॉर्म में ही बनाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे अकाउंट के फॉर्म में बनाना। तो यहां पे हम ये बना कौन रहा है सर, ये मिस्टर ए बनाएगा, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है कौन बनाएगा, मिस्टर ए। क्या बैंक बनाएगी, नहीं। अब यहां पे बैलेंस भी कौन सा दिया है हमें, बैलेंस दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट। व्हाट डू वी मीन बाय ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसे उठाए हैं, बैंक से पैसे उठाए, तो इस बार मिस्टर ए ने बैंक को पे करना है। मतलब ये मिस्टर ए के लिए कौन सा बैलेंस हो गया सर, अनफेवरेबल बैलेंस हो गया ये, दिस इज अनफेवरेबल बैलेंस। और अनफेवरेबल मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सर इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 6340 का, इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक कितना है 6340, इसको क्रेडिट साइड लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या चीज है, इसके बाद क्या चीज है, नेक्स्ट चीज अब क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31st December 2019। ओवरड्राफ्ट पे अब इंटरेस्ट लगा, मैंने ओवरड्राफ्ट लिया था, ओवरड्राफ्ट मैंने पे करना था, तो इंटरेस्ट भी मैंने पे करना है। तो इंटरेस्ट अब क्या है, इंटरेस्ट अगर मैंने पे करना है तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31st December 2019 ऑफ ₹160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। तो सर देखो अब क्या चीज हुई, हम यहां पे दो चीज लिखेंगे सर, एक यहां पे चीज होती है कैश बुक का बैलेंस और दूसरी यहां पे चीज होती है पासबुक का बैलेंस। तो एक कैश बुक और एक पासबुक। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मुझे चार्ज करती है बैंक, बैंक मुझे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज करती है, तो मेरा जो खाता है ना, मेरा जो बैंक में खाता है उसमें मेरा बैलेंस गिरा देती है। तो बैंक ने क्या की होगी, बैंक ने मेरा बैलेंस यहां पे गिरा दी होगी और मेरा बैलेंस गिरा के यहां पे लाई होगी। बट मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कैश बुक में। अब रिकंसिलिएशन करने के लिए मुझे बैंक को क्या करना पड़ेगा, मुझे बैंक को यहां पे मैच करना पड़ेगा, आई विल हैव टू मैच द बैंक। तो मुझे यहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू क्रेडिट ओवर हियर। तो क्रेडिट में मैं क्या लिख दूंगा, पॉइंट नंबर कौन सा है ये, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 लिख के मैं क्रेडिट में 160 लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 2 यहां पे मैं लिख दूंगा 160, ठीक है। फिर यहां से आगे बढ़ते, यहां से आगे बढ़ते, सर आप स्पेशल क्लास पर क्लासेस क्यों नहीं लेते हो, ये कृष्णा पूछ रहे। कृष्णा
अभी खाली है 10 मार्च तक, जाने दो 10 मार्च तक ना। मैं आपको बताऊं मैं दिन के कितने घंटे क्लास ले रहा हूं, मैं 10 मार्च तक दिन के 9 घंटे की क्लासेस ले रहा हूं। 9 घंटे मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे पहली क्लास रहती है सुबह 5:30 AM to 7:30 AM, सुबह 5 से 7:30 बजे मेरी क्लास रहती है। 5 से 7:30 के बाद मेरी 8 से लेकर 10 बजे तक क्लास रहती है, 8 AM to 10 AM। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ जिम जाता हूँ, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ जिम जाके आता हूँ। नेक्स्ट क्लास मेरी फिर होती है 2:45 PM to 4:45 PM। 4:45 को ये क्लास मेरी खत्म होती है, फिर 5 PM to 6:30 PM आपकी क्लास मैं करता हूँ, ठीक है। 5 PM to 6:30 PM आपकी क्लास होती है, और उसके बाद 7:30 PM से लेकर 9:30 PM, या यस कभी 7 बजे होता है कभी 7:30 बजे होता है, तो 7 से या 7:30 दोनों में से कोई भी एक टाइम पकड़ो, तब से लेके 9:30 तक मेरी क्लासेस होती है और उसके बाद मेरा दिन खत्म होता है। तो अभी मेरे पास जो शेड्यूल है, ये पूरा शेड्यूल मेरा 10th मार्च तक चलने वाला है, ये मेरा पूरा 10th मार्च तक शेड्यूल चलने वाला है। उसके बाद मेरा शेड्यूल यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा, और जैसे ही शेड्यूल मेरा आसान होता है फिर आप लोग की क्लासेस भी मैं बढ़ा दूंगा। आप लोग की दिन में एक की जगह 2 क्लास लेना, कोई क्लास स्पेशल क्लास पे, कोई यहाँ पे यूट्यूब पे, वो सब चीज़ें होगी, ठीक है। तो एक और 10th मार्च के बाद मेरी कौन सी टाइमिंग फ्री हो जाएगी, ये वाला टाइम एक फ्री हो जाएगा, ये वाला टाइम एक फ्री हो जाएगा, तो फिर मेरे 2 टाइम फ्री हो जाएंगे ना, तो फिर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा की प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं केवल यहाँ पे 1 स्लॉट ले रहा हूँ, 10th मार्च के बाद फिर मेरे पास काफी समय बचेगा, तो तब वो जितना एडिशनल समय बच रहा है ना, वो पूरा का पूरा आप लोग को डेडिकेट होगा, आप लोग को पूरा का पूरा वो समय यहाँ पे डेडिकेट होगा। सर स्पेशल क्लास की फीस क्या है? स्पेशल क्लास फ्री होती है, वो केवल YouTube की जगह Unacademy के प्लेटफॉर्म पे होती है, बट एब्सोल्युटली फ्री। आपको अगर वो क्लास फ्री में देखना है ना, तो आपको उसके लिए एडुकेटर कोड यूज करना पड़ता है। एडुकेटर मतलब मैं जैसे एडुकेटर हूँ, तो आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, ये कोड डाल के आप सारी की सारी स्पेशल क्लासेस फ्री में देख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट सारी की सारी स्पेशल क्लासेस फ्री में देख सकते हो। वो केवल कहाँ होता है? वो YouTube की जगह Unacademy के प्लेटफॉर्म पे होता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, चलो क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो क्वेश्चन में अब क्या चीज है, पॉइंट नंबर 3, बैंक चार्जेस ऑफ 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। 400 रुपए के बैंक चार्जेस हम पासबुक में डेबिट कर रहे हैं, तो 400 रुपए के बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट हुए। मतलब बैंक ने क्या बोला, भैया मैं तेरे को सर्विसेज बहुत दे रहा हूं, उसके लिए मैं तेरे को चार्ज करूंगा 400 रुपए। बैंक ने मेरे को 400 रुपए चार्ज किया। अब बैंक ने अगर मुझे 400 रुपए चार्ज किया है, तो बैंक ने क्या किया, पासबुक में मेरा बैलेंस गिरा दिया। पर मैंने तो कैशबुक में कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहीं पर दिखा रहा था बैलेंस, कैशबुक में मैं बैलेंस यहीं पर दिखा रहा था। तो अब मुझे भी क्या करना पड़ेगा, बैंक ने मेरा बैलेंस गिरा के यहां पे ला दिया, तो मुझे भी क्रेडिट करके बैलेंस यहीं पे लाना पड़ेगा। तो यहां पे 400 रुपए, अब पॉइंट नंबर 3 का मेरा क्या होएगा, पॉइंट नंबर 3 का 400 रुपए मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ये चीज सभी को क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या चीज होती है, पॉइंट नंबर 4, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31st December। अब यहां पर बोला है मैंने चेक इशू किया था, मैंने क्या किया, मैंने चेक इशू किया है। मैंने अगर चेक इशू किया है तो क्या चीज हुई, मैंने किसी को पे किया कि भैया ये लो चेक, पेमेंट है, बट वो सामने वाले व्यक्ति ने वो चेक को बैंक के पास ही नहीं ले गया। वो सामने वाला व्यक्ति अगर बैंक के पास लेके जाता तो क्या चीज हो जाती, सामने वाला व्यक्ति अगर वो चेक बैंक के पास ले जाता तो बैंक फिर उसको पे कर देता। बैंक अगर पे करता तो वो मेरे खाते में से बैलेंस कम कर देता, बट वो लेकर ही नहीं गया। तो सर अब हुआ क्या, मैंने जैसे ही उसको चेक दिया, मैंने अपने कैशबुक में बैलेंस कम कर दिया। मैंने अपने कैशबुक में बैलेंस गिरा दिया, मैंने यहां पे बैलेंस लाया और ये मैंने बैलेंस अब यहां पे ला लिया, बट पासबुक में तो कुछ भी नहीं हुआ ना सर, ना बैंक ने तो कुछ छेड़ा ही नहीं है। मुझे रिकंसिलिएशन करने के लिए बैंक को मैच करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे बैलेंस बढ़ा के डेबिट कर दूंगा, मैं यहाँ पे बैलेंस बढ़ा के डेबिट कर दूंगा। तो ये कितना अमाउंट था, ये जो अमाउंट था ये था 11,68,000, वो मेरा आ जाएगा डेबिट में। पॉइंट नंबर 4, 11,68,000 मेरा डेबिट में आ जाएगा। ये चीज सभी को क्लियर? यस। सुबह की क्लास में मजा आ गया मामा, वाई दिस स्कूल ऑलरेडी।
या आकांक्ष हमारा सीए इंटर का स्टूडेंट है जो सुबह 5:30 वाली क्लास में आता है। तो सुबह 5:30 वाली क्लास जो हमारी होती है वो अन अकेडमी की प्लस क्लास होती है। उसमें हमारा रोज का एक रिचुअल है कि सुबह की क्लास है तो सुबह सुबह बच्चों को नींद आती है, तो बच्चों को हम बढ़िया म्यूजिक व्यूजिक भी सुनाते, उसमें बढ़िया वाले सॉन्ग्स भी सुनते, हम सॉन्ग सुनते सुनते बढ़िया तरीके से उसमें क्लास करते हैं। ओके, यहां से अब आगे बढ़ेंगे। चेक्स पेड इन टू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31st December 2019 22,17,000। तो हमने क्या किया है, हमने बैंक में चेक जाके जमा किया है। पेड इन टू बैंक मतलब मैंने बैंक में जाके चेक को जमा किया। मैंने जैसे ही बैंक में जाके चेक को जमा किया, मैंने अपनी कैशबुक में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। तो ये मेरी कैशबुक आई, ये कैशबुक में मैंने क्या किया, कैशबुक में मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। ये देखो कैशबुक में मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ा के यहां पर ला लिया। बट बैंक ने क्या किया है, बैंक ने इसे क्लियर ही नहीं किया है, नॉट क्लियर, ये क्लियर ही नहीं हुआ है। सर अगर ये क्लियर ही नहीं हुआ तो बैंक ने तो अपने बुक्स में मेरा बैलेंस छेड़ा ही नहीं। अब रिकंसिलिएशन के लिए मुझे बैंक को मैच करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कितने से क्रेडिट करेंगे, 22,17,000 से हम पॉइंट नंबर 5 का क्रेडिट डालेंगे, 22,17,000। ठीक है सर, ये चीज हो गया। उसके बाद अब क्या चीज है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। मैंने इन्वेस्ट किया था, उस पर इंटरेस्ट आया, डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आया। बैंक में आया वो इंटरेस्ट, तो बैंक ने क्या किया, मेरा बैलेंस बढ़ा दिया। बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया बट मेरे को वो पता ही नहीं था, तो मैंने बैलेंस ही नहीं बढ़ाया। तो देखो अब क्या हुआ, बैंक ने यहां पे मेरा बैलेंस बढ़ा दिया पर मेरे को पता ही नहीं था कि इंटरेस्ट आया है, तो मैंने अपनी बुक्स में कुछ किया ही नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे टन 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 डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेबिट हम करेंगे पॉइंट नंबर 6 के अनुसार 12,00,000 रुपए का। और ये करने से क्या हो जाएगा, हमारे सारे एडजस्टमेंट्स यहां पे हो जाएंगे खत्म, ऑल एडजस्टमेंट्स आर नाउ ओवर। अब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे और निकालेंगे बैलेंस एज पर, हमारा बैलेंस एज पर पासबुक कितना आता है। तो ये देखिए हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट से। अब देखो यहां पे हमें स्टार्टिंग में क्रेडिट बैलेंस दिया था, तो क्रेडिट में क्रेडिट वाली सारी चीजें ऐड होगी, डेबिट वाली सारी चीजें लेस हो जाएगी। तो देखो अब कितना आता है, 6,340 प्लस 160 प्लस 400 माइनस 11,68,000 माइनस 12,00,000। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने कुछ गलत किया क्या, 6,340 प्लस 160 प्लस 400 प्लस द, अरे 22,17,000 तो लिया ही नहीं, 6,340 प्लस 160 प्लस 400 प्लस 22,17,000 माइनस 11,68,000 माइनस कितना है 12,00,000। तो ये कितना हो गया सर, 1,44,100 आ रहा है नेगेटिव बैलेंस। सर नेगेटिव बैलेंस है मतलब हम कहां लिखेंगे, 1,44,100 हम यहीं पे लिखेंगे, क्योंकि सर ये साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो हमने यहीं पे बैलेंस लिखना पड़ेगा। और ये क्या है सर, ये है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो पासबुक का कौन सा बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस भी हमने कौन सी साइड लिखा है सर, ये मैंने लिखा है क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड लिखा है। और सर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या है, पासबुक बनाती है बैंक, बैंक बोलती है क्रेडिट बैलेंस, मतलब बैंक बोलती है उनके लिए लाइबिलिटी है, मतलब बैंक बोलती है बैंक ने मेरे को इतना पे करना है। क्या करना है, बैंक ने मेरे को 1,44,100 पे करना है, बैंक का ये क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां पे अब क्या चीज आएगी, देखो बैलेंस एज पर पासबुक इज अ क्रेडिट बैलेंस, जो बैंक के लिए क्रेडिट है मेरे लिए डेबिट है, मतलब बैंक पे करेगा मैं रिसीव करूंगा, तो वो फेवरेबल बैलेंस हुआ और वो 144,100 का यहां पर बैलेंस आया। ये चीज सभी को क्लियर हुई। अब Yes, इसको हम एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करेंगे, सर इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। स्टेटमेंट में क्या स्टार्ट करेंगे, बैलेंस एज पर कैशबुक यहां से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट 2, 3, 5 उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे ये और ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो देखो इन्होंने भी वैसे ही किया है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से स्टार्ट किया, उसमें पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 5 ऐड किया। यस,
फिर पॉइंट नंबर वन जो था, नहीं पॉइंट नंबर कौन सा, पॉइंट नंबर फोर और सिक्स, उसमें से क्या किया लेस। तो ये जो पॉइंट नंबर फोर है, ये जो पॉइंट नंबर फोर है और ये जो पॉइंट नंबर सिक्स है वो उसमें से लेस किया, तो हमारा क्या आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ये चीज सभी को अब यहां पर क्लियर हुई, ये चीज यहां पर क्लियर हुई, एवरीबडी क्लियर विद दिस। ये कल का होमवर्क था, ये सभी को अब जम गया। ये इलस्ट्रेशन नंबर फोर था हमारा, दिस वॉज इलस्ट्रेशन नंबर फोर, जो हमारा होमवर्क का था वो हमने अब यहां पे डिस्कस कर लिए, फुल्ली डिस्कस्ड। ठीक है, हाँ सर क्लियर, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो यहां से अब हम क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ते। अब यहां पे नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट After preparation of adjusted cash book. Sir, very confusing. ये topic sir पहले पढ़ा है हमने, जहां पे भी पढ़ा है sir, confusion इसमें बहुत है। ये topic नहीं जमता sir, कैसा topic है bank reconciliation statement after preparation of adjusted cash book sir? ये topic नहीं जमता sir, अच्छा topic नहीं है, बुरा topic है, बुरा topic है। तो ये जो बुरा टॉपिक है इसको अब हम बनाएंगे इजी। मतलब अब सर हमारा टॉपिक क्या आता है, अब हमने बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हमने क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अलोंग विथ एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक। सर अब इसमें कहते क्या है, इसमें करना भी क्या है, कहते भी क्या है करना भी क्या है वो बता दो सर। ये आपने समझा दिया ना सर, बहुत भला हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा, क्योंकि सर ये हमें नहीं समझता है। तो देखो यारो, देखो देखो देखो, बहुत इजी सी चीज है, बहुत इजी सी चीज है। इसमें ये लोग क्या बोलते हैं, हम जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और ये सारी चीजों का हम रिकंसिलिएशन करते हैं, ये सारी चीजें जिसके कारण डिफरेंसेस हो रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं। तो उसमें देखो ये डिफरेंसेस ना दो कारण से होते हैं, या तो कुछ गलतियां मैंने की है या तो कुछ गलतियां बैंक ने की है, दोनों में से किसी ने कुछ गलती की है, उसी के तो कारण डिफरेंस आ रहा है। मेरी क्या गलती, बैंक ने कुछ रिकॉर्ड कर दिया, जैसे उनको इंटरेस्ट मिला था, क्या हो गया यहां पे इंटरेस्ट मिला था किसको, बैंक को, तो बैंक ने उसको पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो मेरी गलती हो गई। बैंक की क्या गलती हुई, बैंक की कुछ गलती हो गई कि उन्होंने जबरदस्ती कुछ अमाउंट हो सकता है मेरे अकाउंट में से डिडक्ट कर दिया हो, या जबरदस्ती कुछ अमाउंट हो सकता है मेरे अकाउंट में डाल दिया हो, तो वो बैंक के एंड से गलती हो गई। तो ये लोग अब क्या बोलते हैं, ये लोग अब क्या बोलते हैं कि आप सबसे पहले यहां पे क्या कीजिए, आप सबसे पहले यहां पे पता कीजिए क्या, आप सबसे पहले यहां पे पता कीजिए कि अकाउंट होल्डर की गलतियां क्या है, अकाउंट होल्डर की गलतियां क्या है, अकाउंट होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मिस्टेक्स हुई है। ठीक है, अकाउंट होल्डर की जो भी मिस्टेक्स हुई है ना, सबसे पहले तो आप ये पता कीजिए, सबसे पहले आपने ये पता कर लिया, यस अगर आपने सबसे पहले ये पता कर लिया तो ये मिस्टेक्स को आप सबसे पहले रेक्टिफाई कीजिए। अकाउंट होल्डर मतलब मैं, अब जब मेरे को पता है मैंने कुछ गलती की तो मैं तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकता हूं ना, मैंने अगर कोई गलती की तो मैं उसको रेक्टिफाई करता हूं, और रेक्टिफाई कहां पे करूंगा, मैं बनाता हूं कैश बुक में, मैं बनाता हूं कैश बुक, तो उसका रेक्टिफिकेशन भी कहां पे करूंगा, कैश बुक में करूंगा। तो सर देखो 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 देखो, जैसे यहां पे ये ट्रांजैक्शन आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन द पासबुक, तो बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब उसको मैं क्या करूंगा, मेरी गलती है ना, तो मैं उसको कैश बुक में रेक्टिफाई कर दूंगा, मतलब अब मैं उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा, अब मैं क्या करूंगा उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा, तो ये गलती मैं सुधार लूंगा, पहले मेरे एंड से जो जो गलती हुई है, मेरे एंड से जो जो गलती हुई है उसको मैं रेक्टिफाई करूंगा, कहां पे करूंगा, कैश बुक में उसको रेक्टिफाई करूंगा, और रेक्टिफाई करने के बाद जो मेरी कैश बुक होती है उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। कैश बुक में
अब मैंने रेक्टिफिकेशन कर लिए, तो रेक्टिफिकेशन के बाद वो कैशबुक का नाम अब हो जाता है एडजस्टेड कैशबुक। बोलते हैं ये करने के बाद क्या करना, अब जो बाकी सारी बैंक की गलतियां है वो सारी चीजें हम दिखाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने पता करना है मेरी गलतियां कौन सी हुई है, मेरी गलतियां कौन सी, जो जो गलतियां मैंने की है उसको मैं रेक्टिफाई करूंगा। कहां पे, कैशबुक में जाके रेक्टिफाई कर दूंगा, क्योंकि कैशबुक भी मैं ही बना रहा हूं। और अगर कुछ गलती मैंने की है तो जाके कैशबुक में भैया रेक्टिफाई कर दो। रेक्टिफाई करने के बाद वो कैशबुक का नाम क्या हो जाता है, एडजस्टेड कैशबुक हो जाता है। अब मेरी गलतियां तो मैंने एडजस्टेड कैशबुक में रेक्टिफाई कर दी, उसके बाद अब जो बची हुई चीजों के कारण डिफरेंस आ रहा है उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाना है। ऑल रिमेनिंग आइटम्स, ये मेरी गलतियां छोड़ के ऑल रिमेनिंग आइटम्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे। ऑल रिमेनिंग आइटम्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये चीज सभी को क्लियर। तो देखो यहां पे क्या चीज है कि सर जैसे पहले अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हमने अभी भी लॉजिक्स पूरे वही लगाना है। हमारा लॉजिक क्या रहेगा अभी भी, कि अगर मैं अकाउंट होल्डर हूं तो रिकंसिलिएशन मैंने ही करना है, और रिकंसिलिएशन करते वक्त मैंने हर ट्रांजैक्शन में हर डिफरेंस के लिए बैंक को मैच करते जाना है। हर डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए मैं बैंक को मैच करूंगा। वही लॉजिक पूरा वही का वही है, लॉजिक में कोई फर्क नहीं, एक रुपए का फर्क नहीं, छोले का भटूरा फर्क नहीं, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, इसमें एक भी रुपए का जो लॉजिक्स पहले यूज कर रहे थे अभी भी वही करना है। बस अब जो हम प्रेजेंटेशन पहले कर रहे थे ना, वो प्रेजेंटेशन को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। कैसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अब मेरी गलतियां कौन सी है, मेरी जो भी गलतियां थी उसको मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैशबुक में लेके जाऊंगा और कैशबुक में जाके उसको ठीक कर दूंगा, और ठीक करने के बाद जो कैशबुक बचती है उसको एडजस्टेड कैशबुक बोलते हैं। मेरी गलतियां छोड़ के बाकी जो भी चीजों के कारण डिफरेंस आ रहा था उसको मैं ले जाऊंगा एडजस्टेड कैशबुक में, उसको मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ले जाऊंगा, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसका सेम पुराने वाले लॉजिक से रिकंसिलिएशन करवा दूंगा। तो मेरी गलतियों को एडजस्टेड कैशबुक में, वो छोड़ के बाकी सारी चीजें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। सर एडजस्टेड कैशबुक में इफेक्ट कैसे देंगे, सेम वही लॉजिक से। क्या लॉजिक, कि मैं अकाउंट होल्डर हूं, मैंने बैंक को मैच करना है, उसी लॉजिक से मैं वहां पे पूरे एडजस्टेड कैशबुक में इफेक्ट दूंगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो बची हुई चीजें जाएगी उसमें क्या लॉजिक, सेम वही लॉजिक। लॉजिक क्या है कि मैं अकाउंट होल्डर हूं, मैंने बैंक को मैच करना है, लॉजिक तो वही रहेगा करने का। खाली अब जो भी हमारी इफेक्ट्स है ना, वो इफेक्ट्स दो अलग अलग जगह पे दिखेगी। कुछ इफेक्ट हमारी दिखेगी एडजस्टेड कैशबुक में। कौन सी वाली, जो मेरी गलतियां है उसका इफेक्ट एडजस्टेड कैशबुक में। मेरी गलतियां छोड़ के बाकी सारे इफेक्ट कहां दिखेंगे, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो ये गया सबके दिमाग में, बताइए मुझे, Is this clear with all of you? 100% clear, 100% clear. किसी को यहां पे अब कोई भी डाउट, ये जो मैंने समझाया ये सभी को क्लियर हुआ? Yes. सर आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से तो ये टॉपिक हमें इजी लग रहा है। हाँ बच्चों, ये टॉपिक इजी है, ये टॉपिक में कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये टॉपिक में कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो हम इस टॉपिक को यहां पे सॉल्व करने का देखते हैं। तो यहां पे आता हूं मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। आइए सभी लोग मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, जल्दी जल्दी आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। एवरीबडी क्विकली कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। आ जाओ। यस सर क्लियर, यस सर। ओके। तो इलस्ट्रेशन 5 यहां पे क्या चीज बोलते हैं, ये लोग कहते हैं कि 30th September 2019 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स
ये मिस्टर एक्स और उसके बैंक की बात कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062. कैश बुक का जो बैंक कॉलम था, मतलब कैश बुक के अनुसार ओवरड्रॉन बैलेंस था 4062. सर ओवरड्रॉन मतलब मैंने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे उठाए हैं, तो अब मैंने बैंक को इतना रिटर्न करना है, पे करना है, लाइबिलिटी है. सर ये क्रेडिट बैलेंस होगा. ओवरड्रॉन मतलब सर दिस विल बी क्रेडिट बैलेंस. This will be credit balance. Credit balance मतलब क्या होता है? Unfavorable balance. तो cash book का कौन सा balance दिया है? Unfavorable. फिर बोलता है on the same date, उसी दिन, on the same date, the bank statement showed a credit balance of 20,758 in favor of X. तो अब देखो उसी दिन पे जो बैंक स्टेटमेंट था ना, उसी दिन पे जो बैंक स्टेटमेंट था उसमें क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था. मतलब बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक की पासबुक, बैंक क्रेडिट बैलेंस दिखा रही थी. बैंक ने क्रेडिट दिखाया मतलब बैंक के लिए पेएबल, मेरे लिए रिसीवेबल. तो बैंक बोलती है उन्होंने मेरे को 20,000 रुपए देना है. मैं अपनी बुक्स में बोलता हूं मैंने बैंक को 4,000 रुपए देना है. दोनों बोल रहे देना ही देना है. अरे एक देगा एक लेगा, ये क्या चालू है? मैं बोलता मैंने ओवरड्रॉ किया 4,000 रुपए का. बैंक बोलती है नहीं रे भाई तूने ओवरड्रॉ नहीं किया, मैंने तेरे को 20,000 रुपए देना है. तो ये चालू क्या है? रिकंसाइल करो इसको. अब देखो एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग. तो यहां पे अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3rd October. तो अब देखो हम ये रिकंसिलिएशन कब कर रहे हैं? सर 30 सितंबर को. तो मैंने 30 सितंबर को 29 सितंबर को एक चेक डिपॉजिट किया, मैंने बैंक में जाके चेक डिपॉजिट किया, ठीक है. और बैंक ने क्या किया? उसको क्लियर किया. बैंक ने उसको क्लियर 3 अक्टूबर को किया. तो अब मैंने जब चेक जमा किया होगा तो मैंने अपनी बुक्स में बैंक का बैलेंस बढ़ाया, पर बैंक ने वो क्लियर नहीं किया तो बैंक ने तो मेरे बैलेंस को हाथ ही नहीं लगाया होगा. अब मुझे क्या करना है? बैंक को मैच करना है. अब मुद्दा क्या है? सर बैंक को मैच करना है तो हम बैलेंस को नीचे लाएंगे. हमने बैंक को मैच करना है तो हमने क्रेडिट करना है. क्रेडिट कहां करें? इसको कैश बुक में क्रेडिट करे या इसको बीआरएस में क्रेडिट करे? ये मुद्दा है. कहां पे क्रेडिट करे, कैश बुक या बीआरएस, कहां पे करेंगे? ये मुद्दा आया कि नहीं? हां सर ये मुद्दा आया कि कैश बुक में क्रेडिट करे या बीआरएस में. बच्चों इसमें क्या कहीं भी मेरी कोई गलती है क्या? यहां पे क्या मेरी कोई भी गलती है क्या, मुझे बताइए? यहां पे क्या मेरी कोई भी गलती है? नहीं. मैंने चेक जमा किया. मैंने क्या किया? मैंने चेक जमा किया तो मैंने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया, तो मैंने तो सही किया. पर बैंक ने क्लियर नहीं किया तो उन्होंने पासबुक में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया. अब मैंने मैच करने के लिए क्रेडिट जरूर करना है, मैंने नीचे आना है, क्रेडिट जरूर करना है, बट यहां पे मेरी अकाउंटिंग में कोई भी गलती नहीं थी. तो ये जो इफेक्ट है ये कहां पे आएगा? ये वाला इफेक्ट आएगा बीआरएस में, क्योंकि ये मेरी गलती के कारण नहीं हुआ है. तो कैश बुक में इसको एडजस्ट नहीं करेंगे. ये चीज क्लियर? ये चीज क्लियर, ठीक है. फिर अगली चीज ये लोग क्या बोलते हैं, अ पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक. अब देखो मैंने पेमेंट किया तो मैंने अपनी बुक्स में बैलेंस गिराया, बैंक ने भी उनकी बुक्स में बैलेंस गिराया, पर मैंने एक और बार बैलेंस गिरा दिया. बैंक ने केवल यहां तक बैलेंस गिराया, मैंने यहां से यहां पर लाया और फिर और नीचे ले गया. बैंक ने तो अपनी बुक्स में मेरा बैलेंस यहीं पर रखा है तो मुझे अब बढ़ाना पड़ेगा. मैंने बैंक को मैच करना है तो मैंने डेबिट करना है. अब डेबिट कहां पे करूं? क्या कैश बुक में डेबिट करूं या फिर मैं इसको बीआरएस में करूं? सर यहां पे आपकी गलती है. ये वाला जाएगा कहां पे? ये वाला जाएगा कैश बुक में. ये वाला जाएगा कैश बुक में. वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड, वेरी गुड. अगली चीज देखिए, ऑन 29 सितंबर 2019 को क्या चीज हो गया? यहां पे बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स. तो यहां पे क्या चीज है, 29 सितंबर 2019 को बैंक ने क्रेडिट किया एक अमाउंट 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर. तो वो कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा किया, बैंक ने अपनी बुक्स में बैलेंस बढ़ा दिया. मैंने नहीं किया,
अब मेरे को मैच करना है तो मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। यस, और ये कहां पे होगा, BRS या कैश बुक? सर ये आपकी गलती हुई क्या? हाँ, अरे भैया वो कस्टमर ने पे कर दिया तो मेरी बुक्स में भी तो दिखना चाहिए था, ये मेरी गलती है। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे कहां पे, कैश बुक में आएगा। ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर, वेरी गुड अमीशा, श्रीनिधि, सिमरन, क्या बात है, लड़कियां ही लड़कियां आज यहां पे कमेंट कर रही, लड़के सो गए हैं। ओ लाला लोग जगो रे जगो, लाला लोग जगो रे जगो, ऐसा मत करो यार, इतना मत सो, ऐसा मत करो। अगली चीज आती है, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने बोला मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं चार्जेस लगाऊंगा, तेरे खाते से कम कर दूंगा। तो बैंक ने क्या किया, मेरा खाता गिरा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को भी बैंक को मैच करना है तो गिराना है, क्रेडिट करना है, पर कहां, BRS या कैशबुक? सर ये भी आपकी गलती है, ये भी आपकी गलती है, कैशबुक में ये सर होना चाहिए था, आपने इसका इफेक्ट पास करना चाहिए था। तो ये भी आएगा कैशबुक में, ये भी आएगा कैशबुक। अगली चीज, ऑन 6th September 2019 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। 6th September 2019 को क्या हुआ, बैंक ने किया है क्रेडिट 20,000 टू एक्स इन एरर। ओ हो, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैंने बैंक को मैच करना है तो मैं भी डेबिट करूंगा, बट ये कहां डेबिट होगा, मेरी गलती थी क्या? नहीं, तो ये कैश बुक में नहीं होगा, ये होगा BRS में, ये तो बैंक की गलती थी। केवल मेरी गलती रही तो कैश बुक में आता है, वो छोड़ के बाकी कुछ भी रहा तो BRS में जाता है। ठीक है, अगली चीज देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विथ हिज बैंक। तो एक्स क्या किया, उसके पास एक बिल था, बिल मतलब क्या होता है, चेक जैसा ही होता है, उसको चेक समझ लो, और चेक मैंने बैंक को दिया, बैंक ने मेरे को पैसे दे दिया, मैंने बैंक के पास ले गया, ये लो चेक, तो बैंक मेरे को क्या देगा, पैसे। तो वैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन 20th September 2019 बट नो एंट्री वॉज मेड बाय एक्स। अब देखो क्या था, मैं चेक लेके गया, चेक के अगेंस्ट में बैंक ने मेरे को पैसा दिया, बैंक मेरे को बाद में बोलती है भैया ये तुम्हारा चेक गलत है, ये चेक एक फ्रॉड चेक है, इसमें सिग्नेचर सही नहीं थी, हमको पहले ध्यान नहीं आया। तो अब क्या होगा, अब बैंक वो पैसा वापस मांगेंगी, तो बैंक क्या करेगी, उन्होंने पहले वो 1,40,000 जब मैं चेक लेके गया था बैंक के पास, तो बैंक ने मेरे खाते में 1,40,000 डाला, बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, पर अब बैंक को समझा कि वो चेक गलत था, वो फ्रॉड चेक था, तो बैंक ने मेरा बैलेंस गिरा दिया। मुझे भी क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स में बैलेंस गिराना पड़ेगा बैंक को मैच करने के लिए। मुझे अपनी बुक्स में अगर बैलेंस गिराना है तो मुझे क्या चीज करनी पड़ेगी, क्रेडिट। और ये किसकी गलती थी, ये किसकी गलती थी मुझे बताइए, ये मेरी गलती थी, ये मैंने इसका इफेक्ट देना चाहिए था। तो ये कहां पे आएगा, ये आएगा कैश बुक में, ये आएगा कैश बुक में। ये चीज क्लियर सभी को, ये कैश बुक में आएगा। अगली चीज, चेक इश्यूड अप टू 30th September 2019 चेक इश्यूड अप टू 30th September बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट टोटल्ड 13,26,000। चेक इश्यू मतलब मैंने किसी को चेक बना के दिया, ये ले भैया पेमेंट, मैंने जैसे ही चेक इश्यू किया मैंने अपनी बुक्स में बैंक का बैलेंस गिरा दिया, बट वो बंदे ने सामने जाके बैंक को दिया ही नहीं, तो बैंक ने अपनी बुक्स में कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बैलेंस यहीं पे रहने दिया। तो अब वापस मैंने बैंक को मैच करना है, मैंने डेबिट करना पड़ेगा, मैंने क्या करना पड़ेगा, डेबिट। पर कहां पे, क्या मेरी कोई भी गलती थी क्या? ना, मैंने चेक इशू किया इसलिए मैंने अपनी बुक्स में बैलेंस गिराया, वो सही किया मैंने। तो ये इफेक्ट मेरा जाएगा BRS में, ये वाला इफेक्ट मेरा कहां पे जाएगा, BRS में। ये चीज क्लियर। अब ये लोग क्या बोलते हैं, यू आर रिक्वायर्ड, ये क्या रिक्वायर्ड है, टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स। सबसे पहले एक्स की कैश बुक में रेक्टिफिकेशन कीजिए, टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस एज ऑन 30th September 2019 एंड उसके बाद प्रिपेयर अ BRS, उसके बाद फिर क्या कीजिए, BRS बनाइए।
ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने यहां पे करना है, ये दोनों चीजें हमने यहां पे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज के साथ, चलिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। उसके पहले केवल मैं पानी पी लेता हूं, तो एक सेकंड का समय दीजिए मुझे, पानी पीने का समय दीजिए। यहां पे अभी तक जितना समझाया वो समझा कि नहीं सभी को, यस सर समझा, ओके चलिए। पल्लवी जी बोल रही है यस सर, श्रीनिधि जी बोल रही है समझा सर, रानी अनुष्का कह रही है क्रिस्टल क्लियर, मुस्कान कह रही है यस, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। प्रभजीत कह रही है यस, ओके सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अमीशा कह रही है अच्छे से समझा, वापस देखो सारी लड़कियों का कमेंट। अबे लड़के कर क्या रहे हो तुम, लड़के कर क्या रहे हो तुम, गजब कर रहे हो लड़के तुम लोग भी। अब आया प्रभांशु परिडा, यस चलो ठीक है, प्रभांशु का अब मैसेज आया यस। चलो चलो चलो, तो इलस्ट्रेशन 5 पे आते, हमने यहाँ पे दो चीज बनानी है, दो चीज कौन सी बनानी है, एक तो कैश बुक। सर अब जो कैश बुक बनाते हैं ना, एडजस्टेड कैश बुक, वो इसी तरह से बनाते हैं, वो तो हम टी फॉर्मेट में ही बनाएंगे। रुस्तम कह रहे यस सर क्लियर, गितेश कह रहे यस सर, ओके ओके ओके। तो ये जो कैश बुक है भैया, ये तो हम टी फॉर्मेट में ही बनाने वाले हैं, कैश बुक कोई और फॉर्मेट में नहीं आएगा, कैश बुक कोई और फॉर्मेट में नहीं आएगा, कैश बुक हमारा स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं आएगा, वो टी फॉर्मेट में ही रहेगा। दिस इज द फॉर्मेट फॉर कैश बुक, ठीक है। तो ये मेरी एडजस्टेड कैश बुक रहेगी, ठीक है यस yes। तो ये देखो यहां पे आईसीआई ने भी सेम तरीके से किया होगा, ये देखो कैश बुक उन्होंने बराबर टी फॉर्मेट में ही बनाया है जैसा बनता है, ठीक है यस yes। और कैश बुक में यहां पे अब लिखेंगे हेडिंग कैश बुक, और ये कब की बना रहे हैं सर, ये 30th September को बना रहे हैं, ये अब 30th September 2019 को इसमें सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे। यहाँ पे एक डेट का कॉलम डाल देना इधर और एक डेट का कॉलम डाल देना इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेट, फिर ये पर्टिकुलर्स, डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया, और फिर ये क्या हो गया, ये हो गया डेट, ये वापस आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और फिर ये क्या चीज हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, ये यहां पे आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। और इसके नीचे फिर हम बनाएंगे बीआरएस, यहीं पे बनाना बीआरएस, और बीआरएस भी पहले टी फॉर्मेट में ही बनाना, स्टेटमेंट के फॉर्म में बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो इसको फिर यहां पे लिखता हूं बीआरएस, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ये लोग क्या देते हैं, सबसे पहले अब एक एक करके सारा हम यहां पे स्टार्ट करेंगे, एक एक करके पूरा हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। तो कैश बुक का ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा था, मतलब क्रेडिट बैलेंस था, तो यहां पर मैं लिखूंगा 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2019 बैलेंस एज पर कैश बुक ये कितना आ रहा था 4062, यहां पे ये बैलेंस आ रहा था, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद क्या चीज है सर, इसमें डबल कॉलम क्यों नहीं बना रहे हैं रानी अनुष्का, रीजन सिंपल है, इसमें डबल कॉलम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये कैश बुक में आप जो कॉलम डिस्प्ले कर रही हो ना, वो केवल बैंक का कॉलम है, वो केवल बैंक का कॉलम है। यहां पे कैश का कॉलम बना के कोई सेंस नहीं है, कैश वाला अगर आप कॉलम बनाती है तो ये तो खाली पड़ा रहेगा क्योंकि कैश के कोई ट्रांजैक्शंस ही नहीं है, इसलिए ये कॉलम बना के कोई मतलब ही नहीं है, हम केवल बैंक वाला ही कॉलम दिखाएंगे यहां पे, ओके इसलिए डबल कॉलम नहीं बना रहे हैं यहां पे। अब देखो 4062 का बैलेंस था कैश बुक में, ओवरड्रॉन बैलेंस मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। अब उसके बाद क्या चीज है देखो यहां पे, फिर ये लोग बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा था क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758, इसको रहने दो अभी के लिए, ये बैलेंस को रहने दो। फिर अब पॉइंट नंबर वन पे आइए, पॉइंट नंबर वन में ये लोग क्या बोलते हैं, अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 20th September 2019 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3rd October 2019। तो ये क्या चीज थी जो हमारा यहां पे 13,14,000 का चेक डिपॉजिट किया था, ठीक है, वो बैंक ने क्लियर कब किया, 3rd October 2019। तो सर अब देखो ये क्या चीज हुई है, क्या चीज हुई है यहां पे, यहां पे पहली चीज ये कैश बुक और दूसरी चीज ये पासबुक, ठीक है, ऐसी दो चीजें हमारी
यस सर, एक कैशबुक का बैलेंस हो गया, एक पासबुक का बैलेंस हो गया, कैशबुक ये पासबुक। मैंने चेक डिपॉजिट किया, मैंने क्या किया है चेक को डिपॉजिट, तो मैंने अपनी बुक्स में बैंक का बैलेंस क्या किया, बढ़ा दिया। बट क्या बैंक ने बढ़ाया? नहीं। तो अब मुझे बैंक को मैच करना पड़ेगा? यस सर, मुझे बैंक को क्या करना पड़ेगा, मैच मतलब मैं इसको करूंगा क्रेडिट। क्रेडिट करूंगा तो क्या चीज होगी सर, यहां पे क्रेडिट करूंगा तो सिंपल सी चीज क्या होगी, मैंने यहां पे सर अब ये या तो यहां पे क्रेडिट करना है या तो यहां पे क्रेडिट करना है, दोनों में से कोई एक जगह क्रेडिट करना है। सर क्या ये मेरी गलती थी क्या? सर नहीं सर, मैंने तो डिपॉजिट किया तो मैंने तो बराबर डेबिट किया ना, पर अब बैंक ने नहीं किया इसलिए क्रेडिट करना है, तो मेरी गलती कहीं नहीं है, तो मैं इसका इफेक्ट बीआरएस में दूंगा। तो बीआरएस में मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर वन, 13,00,000 रुपए और कितने हजार था, 13,14,000 रुपए था, ये 13,14,000 रुपीज यहां पे था। ठीक है, ये चीज सभी के दिमाग में गई है, पॉइंट नंबर वन। ये बीआरएस जो हम यहां पे अकाउंट के फॉर्म में बना रहे हैं, ये हमारा वर्किंग नोट है, इसलिए इसमें पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, बाद में इसको जब स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाएंगे तब पूरी डिटेल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, अ पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब देखो 16,000 का पेमेंट किया, तो मैंने क्या किया सर, सबसे पहले मैंने इसको एक बार कम किया, यस, और मैंने फिर इसको दूसरी बार भी कम कर दिया। बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपनी बुक्स में केवल एक बार कम किया, तो सर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सर मुझे यहां पे वापस बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे डेबिट करूंगा, मैं यहां पे डेबिट करूंगा तो क्या चीज होगी सर, डेबिट करेंगे तो यहां पे सर कहां पे डेबिट होगा, कैश बुक में, क्योंकि मेरी गलती थी, तो कैश बुक में डेबिट करेंगे तो यहां पे क्या चीज आएगा सर, 16,000 का यहां पे अमाउंट आएगा। देख लो, इन्होंने भी कैश बुक में ही इसको डेबिट किए होंगे 16,000 रुपए से। और पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, सर मैंने पेमेंट किया था, किसको किया होगा, क्रेडिटर को किया होगा, तो यहां पे हम क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, यहां पे लिखेंगे टू क्रेडिटर या फिर हम लिखेंगे टू सप्लायर, जो भी सप्लायर था वैसा हम लिख देंगे। ये चीज सभी को क्लियर? डन सर, ये चीज क्लियर। हमारी गलती थी इसलिए कैश बुक में, हमारी गलती नहीं होती तो बीआरएस में आता। उसके बाद नेक्स्ट चीज पॉइंट टू भी हो गया। पॉइंट थ्री, ऑन 29 सितंबर 2019 बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव बाय एक्स। तो मेरे कस्टमर ने बैंक में जाके पेमेंट कर दिया, बैंक ने उसको मेरे खाते में जमा भी कर दिया, तो अब क्या हुआ सर, बैंक ने तो मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा के यहां पे लाया, मैंने नहीं बढ़ाया, तो सर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सर मुझे यहां पे बैंक को मैच करना है, सर मतलब मुझे यहां पे डेबिट करना है, और ये किसकी गलती हुई, मेरी गलती हुई, तो मेरी गलती हुई तो मैं इसका इफेक्ट कैशबुक में दूंगा, यस सर मैं 1,17,400 यहां पे कैशबुक में लिखूंगा, और ये मेरी किसी कस्टमर ने दिया ना मेरे को, यस सर ये मेरे किसी कस्टमर ने दिया, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, टू कस्टमर, कस्टमर से पैसा आया है तो मैंने उसको कैशबुक में डेबिट कर दिया। सर अब अगली चीज क्या थी, अगली चीज क्या थी, पॉइंट नंबर फोर, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्जेस लगा दिए, तो बैंक ने चार्जेस लगा दिए, तो बैंक ने मेरे खाते को कम कर दिया, मैंने उसको कैश बुक में ट्रीट ही नहीं किया, तो अब मुझे बैंक को मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बैंक को मैच करने के लिए यहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा। यस सर क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे तो सर कहां पे, सर ये मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, तो उसको यहां पे क्रेडिट करेंगे 400 रुपए से, 400 ही था ना, बैंक चार्जेस 580 रहेगा, ये 580 यहां पे लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, यहां पे लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस 580 रुपए। ठीक है, इसके बाद अब क्या चीज होती है, इसके बाद अब क्या चीज होती है, नेक्स्ट चीज ये लोग देते हैं पॉइंट नंबर फोर के बाद। पॉइंट फाइव, ऑन 6 सितंबर 2019 बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। बैंक ने क्या किया, 20,000 क्रेडिट किया टू एक्स इन एरर, बैंक ने गलती से ओहो अपनी बुक्स में मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक ने गलती से अपनी बुक्स में मेरा बैलेंस बढ़ा दिया है, तो मैं भी अब क्या करूंगा, मैं बैंक को मैच करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कर दूंगा डेबिट, मैं यहां पे डेबिट कर दूंगा। यस सर, पर क्या ये मेरी गलती थी, ना ये बैंक की गलती थी, तो ये डेबिट कहां पे दिखना चाहिए सर, ये 20,000 का डेबिट दिखना चाहिए बीआरएस में, तो बीआरएस में मैं लिखूंगा पॉइंट नंबर फाइव,
पॉइंट नंबर 5 से 20,000 का यहां पे हम कर देंगे डेबिट। हो गया सर, ये भी हो गया। मुस्कान आपको फोर्थ वाला बाद में एक और बार समझा देता हूं, ठीक है, एंड में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर उसके बाद क्या है पॉइंट नंबर 6, मैंने इसमें बोला कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह इसको एक बार के लिए चेक समझ लो, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज हमने अभी तक टॉपिक ही नहीं किया है। तो चेक समझ लो, 140,000 का था, वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स विथ हिज बैंक। तो 140,000 का चेक मैंने बैंक को दिया, बैंक ने मेरे खाते में जमा किया। तो अब देखो क्या है, ये कैश बुक हो गया और ये पासबुक हो गया। यस सर, ये कैश बुक, ये पासबुक। मैंने 140,000 पहले बैंक को दिया, बैंक ने मेरे खाते में जमा किया। फिर बैंक को समझा कि भैया ये जो बिल, मतलब ये क्या है, ये चेक तो एक गलत चेक है, तो डिसऑनर हो गया, वो फ्रॉड चेक है, फ्रॉड। तो बैंक ने क्या किया, उतने पैसे मेरे खाते से निकाल दिए। तो बैंक ने मेरा बैलेंस यहां पे कम कर दिया, यहां पे लाया। मुझे भी क्या करना पड़ेगा सर, बैंक को आपको मैच करना पड़ेगा, तो सर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये किसकी गलती है, ये मेरी गलती है। तो इसको मैं कहां दिखाऊंगा, इसको मैं यहां पे दिखा दूंगा। कहां पे सर, हम इसको दिखा देंगे, कहां पे दिखाएंगे, वी विल शो इट इन द कैश बुक। तो इसको कैश बुक में दिखा दो, कैश बुक मेरी कहां गई, 140,000 का मैंने यहां पे कैश बुक में दिखा दिया, ठीक है। बाय, यहां पे बिल की जगह केवल लिख देना, चेक की जगह केवल लिख देना बिल डिस ऑनर्ड, ठीक है। यस सर, ये चीज हो गई। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद क्या चीज है, नेक्स्ट चीज आती है, चेक issued up to 30th September 2019, मैंने चेक इशू किया, पेमेंट किया, मैंने पेमेंट किया, तो मैं अपनी बुक्स में क्या कर दूंगा सर, मैं अपनी बुक्स में बैलेंस कम कर दूंगा, मैं अपनी बुक्स में बैलेंस कम कर दूंगा। बट मैंने जिसको पेमेंट किया, चेक दिया, उसने जाके बैंक में पैसे नहीं लिए, तो बैंक ने बैलेंस यहीं का यहीं रखा, बैंक ने कुछ नहीं किया। तो अब मुझे बैंक को मैच करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। और क्या इसमें मेरी कोई भी गलती है क्या, ना सर ना, आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप यहां पे सही हो। तो अब ये पॉइंट नंबर 7 का 13,26,000 का इफेक्ट कहां पे आएगा, 13,26,000 का इफेक्ट पॉइंट नंबर 7 यहां पे आएगा, डंडना डंडन, ठीक है। प्रभांशु आपका भी डाउट क्लियर कर देता हूं, एक बार ये हो जाए। अब देखो सर, सारे ट्रांजैक्शंस हमारे हो गए, यस सर, ऑल ट्रांजैक्शंस आर डन। तो अब सबसे पहले कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस निकालो। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे क्रेडिट से, 4062 प्लस 580 प्लस 140,000 माइनस कितना है 16,000 माइनस 117,400। तो ये कितना बैलेंस बचा सर, अब आया यहां पे 11,242 रुपीस का बैलेंस। तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक, अब ये नया आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक। सर अब ये कौन सा बैलेंस है मुझे बताइए, ये कौन सा बैलेंस है सर, ये हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है। ये जो बैलेंस है इसको अब मैं कहां पे लिखूंगा, ये जो बैलेंस है इसको अब मैं लेके आऊंगा बीआरएस में। देखो इन्होंने भी क्या किया है, यहां पे इनका ये बैलेंस आया 11,242 का, इसको ये लोग लेके आए 11,242 को बीआरएस में, ठीक है। बीआरएस में अब इस बैलेंस को ये लोग लेके आते हैं कहां पे, 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 ये इसको लेके आएंगे बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक 11,242, ठीक है। ये 11,242, मैंने शायद पहले इसको गलती से बोला कि ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा था, तो ये क्रेडिट बैलेंस को हम डेबिट में लिखते हैं। तो ये क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है विच इज अनफेवरेबल, उसको मैं यहां पे लेके आया, यस सर। अब 11,242 में मैं क्या करूंगा, 11,242 में इसको ऐड करूंगा और इन दोनों को माइनस करूंगा। तो अब बीआरएस से फाइनल बैलेंस आएगा 11,242 प्लस 13,14,000 माइनस क्या करेंगे 20,000 माइनस 13,26,000। तो ये अब कितना बचता है सर, अब जो बैलेंस बचता है दैट इज हाउ मच, 20,758 विच इज व्हाट, विच इज बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये जो पासबुक का बैलेंस आ रहा है, ये पासबुक का कौन से साइड आ रहा है सर, ये पासबुक का जो बैलेंस है ये तो क्रेडिट वाला आ रहा है, क्योंकि देखो सर ये क्रेडिट साइड दिख रहा है, ये यहां पे क्रेडिट साइड दिख रहा है। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या था, फेवरेबल था। और वही हमें स्टार्टिंग में इधर पे बोले थे कि पासबुक का आपका बैलेंस फेवरेबल है 20,758।
और वो आ गया हमारा यहां पे 20,758। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहां पे हुआ खत्म। अब जिनको जो जो चीज में डाउट है वो सब लोग वो चीज मुझे पूछे, अब मुझे वो सारी चीजें पूछे यहां पे। सबसे पहले सर इसमें डबल कॉलम वो क्लियर हो गया, फिर कौन प्रभांशु नहीं मुस्कान ने बोला फोर्थ वाला नहीं समझा, तो फोर्थ वाले पे आते हैं। मुस्कान देखो फोर्थ वाले में क्या था, बैंक चार्जेस 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस क्या है, बैंक मेरे को सर्विस देता है तो बोलता है वो सर्विस फ्री में थोड़ी दूंगा, उसके चार्जेस लगाऊंगा। चार्जेस लगाएगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपनी बुक्स में मेरा बैलेंस गिरा देगा। बैंक ने अपनी बुक्स में बैलेंस गिरा दिया, मैंने कैश बुक में एंटर ही नहीं किया, तो कैश बुक में तो बैलेंस यहीं पे था। अब हमको बैंक को मैच करना पड़ेगा ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यस, अब कहां क्रेडिट करेंगे सर, ये हमारी गलती हुई थी, दिस वॉज आवर मिस्टेक, तो इसको सर कैश बुक में दिखाएंगे 580 क्रेडिट साइड में, कैश बुक में। ये चीज क्लियर, ठीक है। फिर प्रभांशु कह रहे हैं कैश बुक 4062 नहीं समझा, कैश बुक का जो 4062 है वो नहीं समझा। बेटा देखो कैश बुक में क्या बोला था, कैश बुक में बोला था कि ये जो कैश बुक का बैलेंस था ओवरड्रॉन था, ओवरड्रॉन मतलब मैंने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लिए थे, उधारी ली थी, तो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो वो क्रेडिट बैलेंस तो मुझे क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा ना 4062। ये अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, ये अनफेवरेबल बैलेंस है, दिस इज अनफेवरेबल बैलेंस, ये चीज सभी को क्लियर, ठीक है, दिस इज अनफेवरेबल बैलेंस, इसलिए यहां पे लिखे। अगर मेरा डिपॉजिट होता तो मैं यहां पे डेबिट में लिखता था 4062, बट मैंने ओवरड्रॉ किया है तो उसको मैं यहां पे क्रेडिट में लिख रहा हूं। देखो यहां पे भी आईसीआई ने क्या किया है, इसको क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि ये हमने उनसे इतना पैसा उठाया था, उनसे इतना पैसा उठाया था, ठीक है। डेबिट बैलेंस आता तो डेबिट होगा बीआरएस में, यस डेबिट बैलेंस आता तो बीआरएस में डेबिट होता, ये वाले बैलेंस की आप बात कर रहे हो ना, यस। अब सर ये बैलेंस क्या था, ये मैंने क्रेडिट का टोटल लिया, मेरे कैश बुक में क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल तो इतना बच रहा है, मतलब ये कौन सा बैलेंस है सर, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस मैं बीआरएस के भी क्रेडिट में लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर इसको एडजस्टेड बैलेंस भी बोल सकते हैं, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक 11,242, उसमें ये ऐड किया, फिर ये सारी चीजें माइनस की, तो अब क्या है सर, ये वाला बैलेंस ज्यादा आ रहा है, ये वाला कम आ रहा है, तो इसलिए यहां पे 20,758 हम दिखाएंगे। और ये काय का बैलेंस आएगा, ये अब आएगा पासबुक का, ये पासबुक का जो बैलेंस है वो कौन सी साइड पे लिखा है, वो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, सो दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक का क्रेडिट मतलब बैंक के लिए लाइबिलिटी, बैंक ने पे करना है तो मैंने रिसीव करना है, मेरे लिए फेवरेबल है भैया, ठीक है। राम कुमार सर आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, कैन आई पास फाउंडेशन, अरे बिल्कुल, अरे हिंदी मीडियम चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूरे के पूरे, आप क्या फाउंडेशन की बात कर रहे हो, बिल्कुल पढ़ाई करो, मेहनत करो, बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मुझे अब बताइए ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, क्या ये सभी के दिमाग में गया, इलस्ट्रेशन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको 3 स्टार दे देना, ये गया सबके दिमाग में, ये गया सबके दिमाग में, यस। तो देखो लॉजिक पूरा का पूरा वही है, हमने बैंक को मैच करना है, अब बैंक को मैच करने के लिए डेबिट या क्रेडिट, तो अब बस हमने केवल क्या डिटरमाइन करना है, जो पहले से लॉजिक्स पढ़ते हैं वही अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी केवल फर्क क्या है कि वो डेबिट या क्रेडिट क्या कैश बुक में करना है या बीआरएस में करना है, बस उतना आपको अब फर्क देखना है, यस 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 यस, उतना केवल अब फर्क देखना है कि वो क्या हमारा कैश बुक में डेबिट क्रेडिट होगा या बीआरएस में, लॉजिक जो पहले था अभी भी लॉजिक वही का वही है, जकास क्लियर, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 एक और क्वेश्चन देखे, इसमें एक और क्वेश्चन देखे, आगे बढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आओ, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या बोलते हैं, आ जाओ सभी लोग यहां पे, एक और प्रैक्टिस करेंगे। ये तो यारो अब हमारा चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि चैप्टर में अब ये चीज छोड़ के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, चैप्टर भी हमारा हो गया बीआरएस पूरा का पूरा, तो बढ़िया तरीके से हमने बीआरएस कर लिया, तो ये तो हमारा सेकंड चैप्टर हो जाएगा, सेकंड चैप्टर मेरा हो जाएगा, तो हमने एक चैप्टर कौन सा कर लिया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया है हमारा, यस सर रेक्टिफिकेशन हो गया है,
रेक्टिफिकेशन के बाद अब सर हमारा बीआरएस भी हो जाएगा। यस सर, बीआरएस हो जाएगा। बीआरएस के बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे? बीआरएस के बाद हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद हम क्या करेंगे सर? इसके बाद हम इन्वेंट्री वाला चैप्टर करेंगे। तो ऐसे हमारे फिर एक के बाद एक चैप्टर की लाइनें लगी हुई है। अभी तो हमने बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत सारी मेहनत करनी है, तो लगभग अभी हमारा सेकेंड चैप्टर भी खत्म होने आ चुका है। सेकेंड चैप्टर भी खत्म, अब केवल इसकी प्रैक्टिस हमने ज्यादा से ज्यादा करना है, और प्रैक्टिस के बाद फिर टेस्ट वगैरह देना है। ओके, प्रैक्टिस के बाद फिर इसकी टेस्ट वगैरह देना है हमने। ओके, तो चलिए आइए। ऑन 30th डिसंबर बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक, तो ए फिलिप करके यहां पे व्यक्ति है, अकाउंट होल्डर कौन है? ए फिलिप। उसकी कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। सर डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस मतलब सर रिसीवेबल, फेवरेबल बैलेंस है। तो ये क्या है? दिस इज अ फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस है सर, रिसीवेबल है 4610। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को एग्जामिन किए तो पता चला चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000 वर इशूड टू ट्रेड पेबल्स। हमने चेक इशू किया है हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30th December बट वर नॉट प्रेजेंटेड टू पेमेंट। अब देखो क्या चीज है सर, अब सर ये तो रूटीन हो गया सर हमारे लिए, अब तो सर ये समझने लग गया हमें। हाँ सर, ये समझने लग गया। तो यहाँ पे क्या है? ये कैश बुक हो गया, ये पासबुक हो गया। यस सर, एक हो गया कैश बुक, एक हो गया पासबुक। अब इसमें क्या चीज है सर? मैंने चेक इशू किया तो भैया मैं तो कैश बुक में बैलेंस गिरा दूंगा, मैं तो कैश बुक में बैलेंस गिरा दूंगा। यस सर, आपने कैश बुक में तो गिरा ही दिया होगा बैलेंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैश बुक में हमने क्या किया? हमने कैश बुक में बैलेंस को गिरा दिया। यस, और यहाँ पे बैलेंस ला लिया, पर वो मेरे जो क्रेडिटर्स थे वो लोग बैंक के पास पेमेंट ही कलेक्ट करने नहीं गए, तो बैंक ने कुछ नहीं किया। तो अब मुझे मैच करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट क्या करूंगा ये बताइए, क्या मेरी गलती? क्या मेरी गलती? नहीं सर, मैंने बराबर अकाउंटिंग की। तो ये आएगा मेरा बीआरएस में। ये कहां पे आएगा सर? बीआरएस में आएगा। ठीक है, ये कहां पे आएगा? बीआरएस में। दूसरी चीज, चेक्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 Had been recorded in the cash book, तो 2,50,000 रुपए के चेक थे। ये 2,50,000 रुपए के चेक कहां पे रिकॉर्ड हुए? कैश बुक में। As having been paid into the bank, तो ये चेक मैंने बैंक में जमा किए थे, इसलिए मैंने कैश बुक में डेबिट कर दिया था। But were entered in the bank statement on 1st January, तो देखो मैंने दिसंबर में डेबिट कर दिया था, बैंक ने उसको जनवरी में क्लियर किया। अब मेरा ईयर एंडिंग तो 31st December को हो रहा है, 31st December को डिफरेंस आ गया। तो सर 31st December को क्या चीज हुई? 31st December को ये कैश बुक हो गया, ये पासबुक हो गया। ठीक है, ये कैश बुक, ये पासबुक। मैंने कैश बुक में भैया बैलेंस बढ़ा दिया, मैंने यहाँ पे बैलेंस बढ़ा दिया क्योंकि मैंने बैंक में जमा कर दिया। पर 31st December तक पासबुक में कोई चेंज नहीं आया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। पर क्या इसमें मेरी कोई भी गलती थी क्या? सर आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बराबर किया है। तो ये चीज सर आएगी बीआरएस में, ये चीज आएगी बीआरएस में। एकदम इजी। यस, चेक रिसीव फॉर 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30th December बट नो रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट अपियर्ड इन द कैश बुक। 73,000 का चेक मिला था मेरे को, मेरे को चेक मिला तो मैंने क्या किया? सर मेरे को चेक मिला ना तो मैंने तो अपनी बुक्स में बैलेंस बढ़ा दिया था। मैंने चेक जाके बैंक को दिया, बैंक बोले भैया फर्जी चेक है, नहीं चलेगा, डिसऑनर डिसऑनर डिसऑनर। तो बैंक ने क्या मेरा कुछ भी बैलेंस बढ़ाया क्या? सर बैंक ने कुछ बैलेंस ही नहीं बढ़ाया। ओह नो, तो सर अब मुझे भी क्या करना पड़ेगा? मुझे सर क्रेडिट करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी बुक्स में बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक ने बोला भैया फर्जी चेक है। तो ये अब क्या होगा? बैंक ने बैलेंस नहीं बढ़ाया तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। किसकी गलती? किसकी गलती सर? ये डिसऑनर हुआ और मैंने गलत ट्रीटमेंट किया तो सर ये मेरी गलती, ये कैश बुक में आएगा। दिस विल बी ट्रीटेड इन द कैश बुक। ठीक है, इसके बाद क्या है? डिविडेंड मिला 3,80,000 का, डिविडेंड मिला 3,80,000 का, पेड डायरेक्टली इन टू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। वो कंपनी ने, मुकेश अंबानी ने डिविडेंड दिया, डायरेक्टली मेरे खाते में डाल दिया, मेरे को पता ही नहीं था। तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने मेरा बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक ने मेरा बैलेंस यहां पर बढ़ा दिया। बहुत ही बढ़िया, बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया, मैंने नहीं बढ़ाया। तो अब मुझे भी क्या करना पड़ेगा? मैच करने के लिए यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। और डेबिट कहाँ पे करूंगा? सर ये तो मेरी गलती है, सर ये जो है ये मेरी गलती है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है। ठीक है,
तो ये जो है ये मेरी गलती है, और मेरी गलती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी गलती है तो मुझे उसे कैश बुक में ट्रीट करना पड़ेगा, कैश बुक में इसको ट्रीट कर देंगे, डन सर डन। उसके बाद अगली चीज, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4200 हैड बीन चार्ज्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक ने चार्जेस लगा दिए, तो बैंक ने क्या किया, बैंक बोले हम सर्विसेज दे रहे फुकट में तो नहीं देंगे, तो हम चार्जेस लगाएंगे। बैंक ने मेरा बैलेंस गिरा दिया, मैंने नहीं गिराया, तो अब मुझे मैच करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करूंगा कहां पे, ये मेरी गलती थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो सर ये भी आएगा कैश बुक में, ये भी आएगा कैश बुक में, ठीक है, ये भी आएगा कहां पे, कैश बुक में। उसके बाद क्या है, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाया बैंक ऑर्डर इन नवंबर 2019। तो कैश बुक में वापस देखो, एक एंट्री नहीं हुई, नो एंट्री इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाया बैंक ऑर्डर इन नवंबर। तो मैंने, अब देखो ये ट्रांजैक्शन को समझो क्या चीज हुई है, मैंने बैंक को ऑर्डर दिया था कि भैया एक सब्सक्रिप्शन है उसके लिए तू पेमेंट कर देना, तो बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, ट्रेड सब्सक्रिप्शन के लिए 10,000 पे कर दिया उन्होंने। और क्यों पे किया, क्योंकि मैंने उनको ऑर्डर दिया था, मैंने उनको ऑर्डर दिया था, ठीक है, तो मैंने उनको ऑर्डर दिया था कि 10,000 पे कर देना, तो बैंक ने पे कर दिया। तो बैंक क्या करेगा, जैसे ही बैंक ने पे किया, बैंक मेरा बैलेंस गिरा देगा, बैंक ने मेरा बैलेंस गिरा दिया, बट मैंने इसकी एंट्री च नहीं की, तो अब मुझे भी बैंक को मैच करने के लिए गिराना पड़ेगा बैलेंस, मैं क्रेडिट करूंगा, और कहां पे, गलती मेरी थी, तो कैश बुक में आएगा। ये देखो पॉइंट नंबर 6 का, कैश बुक में यहां पे आपको क्रेडिट में दिखेगा 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या चीज थी, उसके बाद क्या चीज थी, अ चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैज बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर। ये बैंक ने पागलपन कर दिया, बी फिलिप करके एक और अकाउंट होल्डर था, ठीक है, उसने एक चेक 27,000 का ड्रॉ किया, उसने एक चेक बनाया, उसने अपने कस्टमर को दिया, तो बैंक ने बी फिलिप के खाते में बैलेंस कम करना था, बैंक ने मेरे खाते में बैलेंस गिरा दिया। अरे मुझे बैंक को मैच करना है, बैंक ने मेरे खाते का बैलेंस गिरा दिया, अब मुझे बैंक को मैच करना पड़ेगा, मतलब मुझे यहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा। ओह नो, पर ये क्या मेरी गलती थी, नहीं ये बैंक की गलती थी, तो हम इसका इफेक्ट कहां पे देंगे, बीआरएस में। देखना ये क्रेडिट वाला इफेक्ट बीआरएस में आएगा, ये यहां पे आपको कैश बुक में नहीं दिखेगा, ये इफेक्ट आपको दिखेगा बीआरएस में। ये 27,000 का देखो बीआरएस में जा रहा है, 27,000 का बीआरएस में जा रहा है। तो ये चीज सभी को समझी, इज दिस क्लियर विद ऑल ऑफ यू, 100% क्लियर। अब इसको क्या सभी लोग होमवर्क में सॉल्व करके आएंगे, हमने डिस्कस तो पूरा कर लिया है, कंप्लीट किया, इसको होमवर्क में करके आएंगे सभी लोग, यस यस यस, ये पूरा होमवर्क में करके आएंगे, यस। अब कल क्या करेंगे, कल हमारा फाइनल लेक्चर रहेगा बीआरएस का, कल हमारा रहेगा फाइनल लेक्चर ऑफ बीआरएस, बीआरएस का फाइनल लेक्चर है वो, सभी लोग कल पक्के से अटेंड करेंगे, क्योंकि कल हम इसके सारे अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने वाले हैं, इसके सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल का बीआरएस का लेक्चर कोई भी छोड़ेगा नहीं। कल सुबह 10 बजे आप लोग का जो वीकली जूम मीटिंग है फैकल्टीज के साथ वो रहेगा, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे लिंक आपको कहां पे मिलेगी, टेलीग्राम पे जो लिंक है आपको यहां पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल को आप क्या कीजिए, यहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के लेक्चर को यहां पे करेंगे खत्म, आज के लेक्चर को यहाँ पे करेंगे खत्म। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, कुछ भी आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे कल की क्लास में, अंटिल देन गाइस, दिस इज सी ए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।